नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आज भी आपका स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। और आज का डॉक्यूमेंट है ये। इस डॉक्यूमेंट के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में जो है चाची जी और मैं बाजार जाने वाले, वो इसलिए क्योंकि 1-2 दिन बाद रक्षाबंधन है और हमें बहुत सारी राखियां खरीदनी है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर आई हूँ चाची जी के किचन में, और चाची जी बिजी है। क्या बना रही हैं चाची जी? अंडे को बना रही है तमन्ना के लिए। अंडे बना रही हूँ तमन्ना के लिए अंडे बन रहे। मम्मी आज क्या अंडे ना हॉली बोल रहे, मोमो बनाना पड़े। मोमो हाँ बनाना है बनाना। हाँ तो अभी बाजार जाएंगे तो सामान लेके आते हैं। क्या वेज 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 कौन खाएगा? नॉन वेज। नॉन वेज यहाँ है कौन है? मैं। अच्छा ये क्या करी रोटी? अच्छा जी ऐसे बनाते हैं आप? कुछ नए ही होते हैं, नए ही होते हैं। डिमांड है। अच्छा डिमांड है रोटी ऑमलेट। अब देखते कैसे अच्छा ये है। मैं भी करूंगी कभी एक्सपेरिमेंट। मैं तो खाती नहीं पर आपने अभी खा के बताना। यार वाकई बहुत सुंदर लग रही है। तो क्या करना, एक तो टैलेंटेड शेफ का टैलेंटेड शेफ है हमारे पास है ना। और कुछ मम्मी यार एक दिन क्या वो बनाना चाहते, वो नहीं है चाहते डोरा के। हाँ डोरा के लेके आएंगे ना, डोरा के डोरा के डोरा के। तो ये लीजिए दोस्तों तैयार है ये रोटी ऑमलेट। ये कैसा है भाई, बड़ा यूनिक है। तुम आपने कभी खाया नहीं? नहीं मैंने बनाया ही नहीं कभी ऐसा। होना चाहिए टैलेंट। सही बात है टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट ही नहीं है तो क्या कर सकते। दोस्तों चाची जी ने मुझे भी रोटी ऑमलेट बना के दिया है, देखिए कितना क्रिस्पी है, खा के देखते हैं। हर कुछ फटाटा बनाते हैं। फटाटा वो दोस्त अंडे का फटाटा। क्या बोला आपने, क्या बनाएंगे? फटाटा 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 की फटाटा फटाटा। अच्छा क्या चीज होता है वो? अंडे के बनता। अंडे का फटाटा, चलो वो भी कभी बनाना पड़ेगा। सब्जियों के साथ होता ना आपने बोला, चलो वो भी दिखाएंगे कभी ना कभी। गर्मी एक और बना रही चाची, पूरा प्रोसेस देखते हैं। एक सामान में से ऑमलेट, कुछ नहीं है सामान, कुछ नहीं डाला, नमक एक मिर्च और अंडा बस। हाँ क्या बोला भैया? क्या है नहीं खाया तभी तो बोल रहे हैं रोटी और ऑमलेट हम अलग अलग खाते हैं ना, पर ऐसा नहीं खाते हैं। ऊपर है भैया। ये लो जी हो गया। वाह चाची ने जो है पराठे के हिसाब से थोड़ा सा ऑयल बाद में डाला। वाओ
वाओ वाओ वाओ दोस्तों चाची जी से आज भी कुछ सीखने को मिला। ऑमलेट और रोटी तो हम खाते थे पर ऐसा नहीं खाया मैंने, आपने खाया हो सकता है पर मैंने नहीं खाया था, पर अब मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, चाची जी ने हम सबके लिए बनाया, मेरे हस्बैंड के लिए, तमन्ना के लिए, मेरे लिए, खुद नहीं खाती अंडे तो अपने लिए नहीं, हमारे लिए बना दिया। थैंक्स चाची जी, खुशी मिली। दोस्तों अब चाची जी और मैं तैयार होकर बाजार जा रहे थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो है राखियां खरीदने जा रहे हैं, तो चलिए बाजार चलते हैं और देखते हैं नई नई राखियां कैसी आई है। चलिए कुछ नई ताजी नहीं है। वही तो ना, ये नई राखियां हैं शर्मा जी। दिखाओ सर, हाँ ठीक है, अच्छा भी लग रहा है। अच्छा अच्छा ये अच्छा है ना, ये वाले भी ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा सिंपल। ऐसे में और है, ये तो सुंदर है लेकिन हमारे बहुत सारे दिखेंगे तो अच्छा लगता है। मेरी हो गई राखी, इतनी सारी राखी। तो दोस्तों चाची जी ने राखियां खरीद ली है बहुत सारी, मुरंग भेजने उन्होंने। तो निकल गई ओए आराम से हो गया, कर गया रे बार बार गिरा रहे। दोस्तों चाची जी ने जो है बहुत सारी राखियां ले ली है और मैंने लिया है सिर्फ ओनली वन, क्योंकि इस बार मैं घर नहीं जा पाऊंगी तो वहाँ पर मम्मी दे देगी खरीद कर भाइयों को, और यहाँ पर जो है मेरे गॉड ब्रदर है तो मैं एक ही खरीदी उनके लिए, तो वो एक ही है। तो यहाँ देखिए चॉकलेट्स भी खरीदे इतने सारे, जितने राखियाँ उतने चॉकलेट, तो भिजवाना है तो फिर चॉकलेट ही ठीक है। चल नहीं जी, तो दोस्तों अब आए हैं हम यहाँ कपड़ों की शॉप में, रेडीमेड कपड़ों की शॉप में, और मेरी नज़र टिकी है यहाँ पे इस हाफ स्वेटर पे। मैं तो नज़र इसमें भाई, इस पजामे में। हेलो, मैं तो इस पजामे में होली नज़र इस पे बिजी। ये तो नीचे हो, ये देखिए ठीक ही है। कलर सिर्फ यही है, मैं वही बोल रहा, एक ही पीस बच गया उसमें, खत्म हो गया। ये भी क्यों बचा पता है,
दोस्तों हम बाजार से घर वापस आ गए हैं, अब डिनर की तैयारी कर रहे हैं। मेरा काम है रोटी बनाना और चाची जो है सब्जी बना रही हैं। तो सब्जी वो बना रही हैं, शायद आपने भी नहीं देखा हो कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कर रही है। हो सकता है देखा भी हो, मुझे नहीं लगता देखा होगा। चलिए पहले मैं दिखाती हूँ आपको क्या कॉम्बिनेशन बना रही है चाची। पहले तो कढ़ाई में तेल डाला है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो लीजिए चाची ने जो है कढ़ाई में तेल डाल दिया और कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पे भिंडी प्याज। क्या आपने देखा है भिंडी प्याज का कॉम्बिनेशन? मैं तो चाची जब से आई है ना तब से ना पता नहीं क्या क्या देख रही हूँ खाने में, ऐसा भी होता है। तो चलिए देखते हैं, चाची ने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल को गर्म होने देते हैं। तो सबसे पहले जो है चाची गरम तेल में भिंडी फ्राई कर रही हैं। तो भिंडी को भी और प्याज को जो है दोनों को मोटा मोटा सा काट के रख दिया है, मतलब बड़े बड़े आकार में काटा हुआ है। तेल में सबसे पहले भिंडी फ्राई करेंगे, प्याज को भी करेंगे। ओके यानी कि जब भिंडी को काटेंगे तो कैसे कट? चाकू से ऐसे कट करके तभी काटें भिंडी को। हाँ मिक्सर पंखा, हाँ गर्मी है मुझे है। नहीं नहीं मुझे थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो भिंडी को जो है चाची ने तेल में भून लिया है, अब तल लिया है। तलना या भूनना जो भी है, तेल में इसको फ्राई कर दिया है। अब थोड़ा सा और ऑयल डाल रहे हैं चाची। गर्मी हमारे किनारे में इतनी गर्मी है, आपके गांव में शहर में कितनी गर्मी है भाई बताना फ्रेंड्स, हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कढ़ाई में जो तेल डाला था उसमें अब प्याज डाल दिया है, प्याज को भी भुनेंगे। हम होते ना बोर हो जाते इतने में तो मैं तड़का तड़का लगा के ढक्कन लगा के चली भी जाती टेस्टी खाना है तो बनाने का पड़ेगा। कैसे टेस्टी खाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। सही में। तो आप देखिए यहाँ भून रहे हैं तेल में। है ना? तो दोनों को जो है थोड़ा अच्छे से भून लिया है, प्याज को भी और भिंडी को भी, प्याज और भिंडी का कॉम्बिनेशन बताना हाँ कौन कौन ट्राई करते प्लीज बताना माय डियर फ्रेंड्स। तो अब क्या करना है? अब तड़का फिर से तेल लगा लिया। क्या क्या है ये? बड़ी इलायची, इसमें है बड़ी इलायची, इसमें है
दालचीनी, दालचीनी, दाल और चीनी, दालचीनी, दालचीनी बहुत बड़े बड़े दिखाओ दो। ये देखो जी दालचीनी, इतने बड़े दो। तो दालचीनी भी ले लिया, बड़ी इलायची ले लिया। अब दालचीनी और बड़ी इलायची डाल दिया है जी। उसके बाद जीरा, धीमी आंच पे। हाँ देखो आप, धीमी आंच पे। मेथी, फिर मेथी, मेथी दाना, तो इसके बाद है अब प्याज, इसको गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो अब डाल रही है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद टमाटर ग्राइंड करके रखा हुआ चाची ने, तो टमाटर डालेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं प्याज। अब जो है चाची क्या डाल रहे हैं? टमाटर डाल रहे हैं, टमाटर ग्राइंड किया हुआ टमाटर। हल्दी वगैरह कुछ नहीं डाला अभी। हल्दी, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, नमक। तो ये देखिए बस यही और थोड़ा सा आमचूर और गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर और गरम मसाला डाल देंगे पकने के बाद। ये काफी हद तक पक गया है, पक ही गया ये ना? गया, वैसी हाँ, तो तैयार है। इसमें डाल रही है चाची गरम मसाला, गरम मसाला, और ये है आमचूर पाउडर। बस दोस्तों सब्जी रेडी है, बस टेस्ट करना बाकी है। और मुझे पता है 100% टेस्टी से भी टेस्टी होगा ये।
अगर आप क्या बोल रहे हैं आप इसमें लगा सकती हैं धनिया, हरा धनिया। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो आज का डिनर रेडी, चाची गायब। फाइनली दोस्तों, चाची ने जो है शाम के लिए सब्जी रेडी कर दिया है। अब मेरा काम है, मैं जाकर रोटी बना लेती हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक हमेशा की तरह आप अपना ख्याल रखिए, हम अपना ख्याल रखते हैं। तो बाय।